कक्षा 6 के बड़े ही होनहार विद्यार्थी, छोटे छोटे नन्हे मुन्हे बच्चे, मैं हिंदी शिक्षक अंजनी कुमार तिवारी आपको इस वीडियो में पाठ्यपुस्तक वसंत पाठ 5 अक्षरों का महत्व, लिखा है गुड़ाकर मूले ने, इसका जो मूल भाव है वह बताने चल रहा हूँ। संक्षेप में पूरे पाठ का मूल भाव मैं बता रहा हूँ, पूरा वीडियो देखिएगा और घर को विद्या मंदिर समझ करके पुस्तक खोल करके पूरा पाठ बड़े ही मनोयोग से पढ़िएगा, बिल्कुल समझ में आएगा। गद्यांश से संबंधित प्रश्नों का उत्तर नोट्स में, गद्यांश से संबंधित प्रश्न मैं नोट्स में दे दूंगा, उसका उत्तर आप गद्यांश के आधार पर स्वयं लिखेंगे। पाठ पर आधारित प्रश्नों का उत्तर लिख करके या वीडियो के माध्यम से मैं आपको दे दूंगा, उसका भी उत्तर आप लिखेंगे। पूरा वीडियो देखिएगा, बिल्कुल समझ में आ जाएगा। अक्षरों का महत्व, अक्षर का मतलब होता है जिसका कभी नाश न हो, न क्षरेत इति अक्षर, जो कभी नष्ट न हो। वो ध्वनियाँ, ध्वनियों से क्या बना वर्ण, वर्ण से क्या बना शब्द, शब्द से क्या बना साहित्य, साहित्य क्या है ज्ञान का कोष है। यह सब किससे बना, अक्षर से बना। पीढ़ियाँ आती हैं चली जाती हैं, इस संसार में सब कुछ नाशवान है, पूरा संसार एक दिन विनष्ट हो जाएगा, लेकिन जो ग्रंथ लिखे गए हैं, साहित्य लिखे गए हैं, उनका कभी नाश नहीं होता। तुलसी, सूर, कबीर, मीरा, रैदास आदि जो लिख के चले गए हैं वो कभी विनष्ट होने वाला नहीं है। गीता, बाइबिल, कुरान आदि जो ग्रंथ लिखे गए हैं उनके जो अक्षर हैं वो कभी नष्ट होने वाले नहीं हैं। इन्हीं अक्षरों का महत्व इस पूरे पाठ में बताया गया है, नाम से ही स्पष्ट हो रहा है। अक्षरों के लेखन की शुरुआत कब हुई ये भी पाठ में बताया गया है, 6000 वर्ष पूर्व अक्षरों की शुरुआत हुई, और पहले अक्षर कैसे लिखे गए हमारे पूर्वज प्राचीन काल में, इसकी शुरुआत कैसे करते हैं ये भी बताया गया। पहले चित्रों के माध्यम से अक्षरों को इंकित किया गया, जैसे मान लो ऐसे लाइन वाला कोई चित्र हो, इसका मतलब माना गया सूर्य, तो ऐसे ऐसे सब चित्रों का सहारा लिया, और बाद में फिर ध्वनियों का सहारा लिया, ध्वनियों से वर्ण बने, वर्ण से शब्द बना, शब्द से क्या बना साहित्य बना। तो हम समझते हैं कि आप पूरे पाठ को पढ़ेंगे तो अक्षरों का क्या महत्व है इसको समझ जाएंगे। पीढ़ियां आती हैं चली जाती हैं, लेकिन अक्षर कभी नष्ट नहीं होते हैं, पूरे पाठ में इसी का महत्व बताया गया है। हम समझते हैं हमारे भले विद्यार्थी छोटे हैं कि बहुत समझदार हैं, उनकी मानसिक क्षमता बहुत अच्छी है, पूरे पाठ को समझ गए होंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।